आइए आज हम बनाते हैं बाजरे के आटे के लड्डू। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, बाजरे के आटे के लड्डू बनाने के लिए हमने लगभग 1 किलो बाजरे का आटा लिया है और लगभग 1 किलो ही हमने गुड़ लिया है, क्योंकि बाजरे के आटे के लड्डू में गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं मीठा, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये हमने आधी कटोरी सफ़ेद तिल लिया हुआ है और आधी कटोरी हमने जो रोस्टेड मूंगफली आती है उसको छीलकर उसके दाने लिए हैं, और ये गोंद लगभग 50 ग्राम लिया है और 2 बड़े चम्मच लगभग हमने इसमें घी लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बाजरे के आटे के लड्डू। सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें तिल जो लिया हमने सफ़ेद इसको डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, तिल को हमने लो फ्लेम पर अच्छे से चटकने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तिल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी, और घी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को पिघलने देंगे। घी जब पिघल जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं बनाना है, और गोंद हम भूनेंगे अब इसमें घी में, तो थोड़ा थोड़ा घी पिघल जाएगा, थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए इसको भूनेंगे। देखिए, घी पिघल गया है, हल्के गर्म में ही डालेंगे गोंद। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गोंद डालते हुए इसको हम भून लेंगे। तो देखिए, घी अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होता तो गोंद हमारी जल जाती और अंदर तक नहीं भून पाती। इस तरीके से आपने देखा, पूरी गोंद एकदम फूल गई है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डालते हुए हम सारी गोंद को भून लेंगे। देखिए, गोंद हमारी भून गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डालते हुए पूरी गोंद को भून लेंगे हम। इस तरीके हमने सारी गोंद को भून लिया है, ये पूरी गोंद हमने भून कर तैयार कर लिया है। अब ये कढ़ाई जो है, इसमें थोड़ा घी है, इसी में हम डालकर आटे को भून लेते हैं, और आटे को एकदम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो आटे में घी पहले नहीं डालेंगे ज़्यादा, जितना घी था उसी में भून लेंगे, बाद में हम थोड़ा घी इसमें मिक्स करेंगे। इसको इस तरीके से लो फ्लेम पर भून लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको हमने लगभग 10 मिनट तक भून लिया है। आटे से अच्छी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसको भूनने में 2 चम्मच घी जो बचा हुआ था, हमने वो भी पूरा घी डाल दिया है, जितना घी लिया था पूरा डाल दिया है। लेकिन अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो घी का यूज कम कर सकते हैं, बिना घी का भी भून सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आटे को भून लिया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस आटे को भी निकाल लेते हैं। ये आटे को हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो देखिए, गुड़ को हमने इस तरीके से टुकड़ों में कट करके लिया है। गुड़ डालने के बाद हम इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद इसको गुड़ को पिघलने तक पका लेते हैं। तो आप इसमें चाहें तो जो एकदम लाल वाला गुड़ आता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ये सफ़ेद वाला गुड़ लिया है, क्योंकि बाजरे के आटे का कलर वैसे भी ज़्यादा डार्क होता है, तो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे लड्डू, इसलिए हमने इसमें सफ़ेद वाले गुड़ को यूज़ किया है। आप कोई भी गुड़ डाल सकते हैं। अब हम इसको गुड़ को पिघलने तक पका लेते हैं। जब तक गुड़ पिघल रहा है तब तक ये गोंद भी हमारी ठंडी हो गई है। इसको इस तरीके से, या अदरक कूटने वाला हमने लिया है या फिर किसी प्लेन कटोरी से, किसी भी भारी बर्तन से आप इस तरीके से इसको मसल लेंगे तो सारी गोंद बारीक हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी गोंद को हमने
मसल लिया है, बारीक हो गई है बिल्कुल उसे गोंद हमारी। और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी, गुड़ बिल्कुल घुल गया है। चाशनी को हमको इतना ही पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, एक दो तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी आटे के लड्डू बनाएं तो चाशनी थोड़ी पतली ही रखी जाती है, क्योंकि आटा है वो गुड़ सोख लेता है, इसलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम हल्का सा छान लेंगे। क्योंकि गुड़ की चाशनी कभी भी बनाएं, कितना भी देखने में गुड़ सफ़ेद हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो गंदगी रहती ही है, इसलिए इसको हम पहले छान लेंगे। देखिए ये जो गोंद हमने करके रखी है मसल कर, इसी में हम ये मूंगफली के दाने भी डाल देते हैं। आप चाहें तो इनको हल्का सा दरदरा करके डाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से खड़े खड़े ही डाल रहे हैं। और इसी में हम ये आटा मिक्स कर देते हैं जो भून कर रखा है, और तिल जो भून कर रखा हमने ये भी डाल देते हैं। आप इसमें चाहें तो खसखस के दाने भी डाल सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, किशमिश चिरौंजी, लेकिन हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रहे हैं। इस तरीके से हमने छन्नी से छान लिया है इसको, चाशनी को तो अलग कर देते हैं। और अब इस चाशनी को ये सारी चीज़ों में मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को पहले हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। आटे के साथ गुड़, ये गोंद और तिल सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम चाशनी मिक्स करेंगे इसमें, और चाशनी को हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें अब थोड़ी थोड़ी चाशनी करके हम मिक्स करेंगे, एक साथ ज़्यादा ना डालें। तरीके से हम आटे के साथ चाशनी को मिक्स कर देंगे। देखिए चाशनी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे, और हाथों में हल्का सा घी लगाकर लड्डुओं को हम बांध लेंगे, हल्का हाथ से छूने लायक हो जाए तभी इसको बांधें। देखिए इस तरीके से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसको बिल्कुल भी ठंडा ना होने दें, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से छोटे या बड़े जैसे चाहें आप आकार में लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको भरकर लगभग 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये चाशनी बनाकर हमने लड्डू बनाया है। तो इस तरीके से आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने अभी तक बाजरे की रोटी पराठा तो खाया होगा, तो इस तरीके से लड्डू भी इस बार ट्राई करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।